तो गर्मियों के मौसम में तो हम सबको ठंडा पीने का या खाने का काफी ज्यादा मन करता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वाटरमेलन जूस की रेसिपी, जिसे आप फटाफट से बना के रेडी कर सकते हैं और इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं वाटरमेलन जूस बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप वाटरमेलन। इसे आप मोटे साइज में या फिर किसी भी साइज में काट सकते हैं, क्योंकि हमें इसे ब्लेंड कर लेना है तो ये इजीली उसमें ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा चम्मच काला नमक। यहाँ पे मैंने ले लिया है कुछ पुदीने के पत्ते और चाट मसाला ले लिया है मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे प्लेन नमक भी ले लिया है। आधा कप मैंने यहाँ पे ले लिया है चीनी। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 2 से 3 चम्मच और एक्स्ट्रा ले लें। और मैंने लिया है नींबू का रस। तो जार में हम डाल देंगे वाटरमेलन, साथ ही हम डाल देंगे इसमें चीनी, और अब हम डाल देंगे इसमें प्लेन नमक, साथ ही हम डालेंगे इसमें काला नमक। इसके बाद हम डाल लेंगे इसमें चाट मसाला, साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें जो हमने पुदीने के पत्ते लिए थे वो डाल देंगे हम इसमें। नींबू का रस डाल लेंगे और इसमें हम डाल लेंगे आधा कप पानी। तो इस तरीके से हम इसमें पानी डाल लेंगे थोड़ा सा, और ढक्कन बंद करके हम फटाफट वाटरमेलन जूस रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने जूस को बिल्कुल रेडी कर लिया है और हम इसे सर्व कर लेंगे ग्लास में। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़े से वाटरमेलन, कट करके भी हम इसमें डाल देंगे ऊपर से। और ये देखिए, आप देख सकते हैं ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, पीने में तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और आप इसे बच्चों को या फिर बड़ों को भी सर्व कर सकते हैं। सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी।